दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। कि बिहार में जमीन के दाखिल खारिज का बदला नियम, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के साथ ऑड इवन का होगा पालन। जी हां देखिए, जमीन के दाखिल खारिज के वादों के तेजी से निपटारे को लेकर राज्य में गुरुवार से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और ऑड इवन नियम के साथ नई व्यवस्था प्रभावी हो गई है। यानी अंचल में म्यूटेशन के लिए जिस क्रम से आवेदन आएंगे उसी क्रम से उनका निपटारा भी किया जाएगा। म्यूटेशन में समय अधिक नहीं लगे, इसके लिए अंचल अधिकारी विषम संख्या वाले हलका और राजस्व अधिकारी सम संख्या वाले हलका के दाखिल खारिज वादों को निपटाएंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर नई व्यवस्था को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर राज्य के 5 अंचलों में लागू किया है। पटना जिले के फतुहा, भागलपुर के सबौर, समस्तीपुर के कल्याणपुर, किशनगंज के ठाकुरगंज और सिवान जिले के सिवान सदर अंचल में पायलट प्रोजेक्ट सफल होने के बाद सभी अंचलों में इसे लागू कर दिया जाएगा। बड़ी खबर में देखिए, चीन को पीछे छोड़ भारत बना सर्वाधिक आबादी वाला देश। जी देखिए, भारत की जनसंख्या चीन से ज्यादा होने की संभावना है। अनुमान है कि वर्ष 2022 के अंत तक भारत की आबादी 1.417 अरब तक पहुंच चुकी है। जनगणना पर केंद्रीय संगठन वर्ल्ड पोल्यूशन रिव्यू का यह दावा है। और देखिए, वर्ल्ड पोल्यूशन रिव्यू के मुताबिक चीन में हाल में आधिकारिक रूप से बताया गया कि उसकी जनसंख्या 1.412 अरब है। इधर पर भारत की आबादी चीन से 50 लाख ज्यादा चुकी है। वहीं संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि भारत की आबादी इस साल के अंत तक चीन से ज्यादा होगी। रिसर्च प्लेटफॉर्म मैक्रोडेंट का भी अनुमान है कि भारत की आबादी 1.428 अरब हो चुकी है। बता दें कि भारत में 2021 में जनसंख्या होनी थी लेकिन कोरोना की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया है। में देखिए, बिहार में बिजली चोरी रोकने को हर घर में होगी मीटर की जांच। जी देखिए, राज्य में ठंड के मौसम में बिजली की निर्बाध आपूर्ति के बीच बिजली चोरी की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। जनवरी महीने में अब तक 244 लोग अवैध रूप से बिजली उपभोग करते हुए पकड़ा जा चुके हैं। चोरी का यह मामला महज 10,000 घरों के मीटरों की जाँच करने पर उजागर हुआ है। पेशू ने इन सभी के खिलाफ FIR दर्ज भी कराया है। वही पेशू बिजली चोरी पर लगाम कसने के लिए अब नियमित हर घर के मीटरों की जाँच करेगा, यह अभियान के रूप में चलेगा। साथ ही आपको बता दें कि बिजली कंपनी राजस्व अरविंद कुमार ने इसके लिए पेशू को लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसके तहत पेशू अभियान चलाकर कार्रवाई कर रही है। शहर में बिजली चोरी के अधिक से अधिक मामले पेशू पूर्वी के डिवीजनों पर मिले हैं। 43 मामलों के साथ डिवीजन कंकड़बाग 1 पहले स्थान पर है। वही दूसरे स्थान पर कंकड़बाग 2 डिवीजन में 31 मामले और तीसरे स्थान पर गुलजारबाग में 29 मामले सामने आए हैं। वहीं बिजली चोरी के आरोप में पकड़े जाने वाले उपभोक्ताओं का मीटर भी बदला गया है। सभी के यहां पोस्ट पेड हटाकर स्मार्ट मीटर लगाया गया। बिजली कंपनी के प्रावधान के अनुसार जिन उपभोक्ताओं के यहां पोस्ट पेड मीटर लगा है और उनके यहाँ बिजली की चोरी पकड़ी जाती है तो पोस्ट पेड मीटर की जगह स्मार्ट मीटर ही लगेगा। देखिए, बिहार में मैरिज सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन, जाने पूरी प्रक्रिया। जी देखिए, बिहार में अब आप मैरिज सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में बाल विवाह को रोकना है। बिहार सरकार ने राज्य में बाल विवाह के खतरे को रोकने के लिए शादी प्रमाण पत्र को अनिवार्य कर दिया है। बिना शादी प्रमाण पत्र के कोई व्यक्ति बिहार सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले सकता है। इसके अलावा आधार कार्ड, राशन कार्ड और राष्ट्रीय रोजगार कार्ड के लिए भी आवेदन करने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट अनिवार्य दस्तावेज है। मैं देखिए, बोध गया में 27 दिसंबर से बोध महोत्सव, पहले दिन क्लास कर देंगे प्रस्तुति, अंतिम चरण में 3 दिवसीय बोध महोत्सव की तैयारी। देखिए, 2 साल बाद इस बार बोध महोत्सव बोध गया में होने जा रहा है। महोत्सव 3 दिनों तक चलेगा। इस बार बोध महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों से लेकर स्थानीय कलाकारों को भी मौका दिया जा रहा है। यही नहीं, 9 राज्यों का ग्राम श्री मेला भी लगेगा। सभी 9 राज्य के प्रोडक्ट्स मेला में आम लोगों के लिए उपलब्ध होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 27 जनवरी को क्लास केयर के प्रस्तुति होगी, वही 28 को आनंद राज आनंद के प्रस्तुति होगी, वही 29 जनवरी को श्रद्धा पंडित के प्रस्तुति होगी। देखिए, बिहार के मरीजों को इलाज के लिए अस्पताल जाने की आवश्यकता नहीं, टेलीमेडिसिन के जरिए उठा सकते हैं ओपीडी का लाभ। जी देखिए, बिहार में अब मरीजों को ओपीडी में इलाज के लिए न किसी अस्पताल के जाने की आवश्यकता है और न ही इसके लिए किसी खर्च की जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा घर पर इलाज की सुविधा पहुँचाने के लिए ओपीडी की सेवा बहाल की गयी है। टेलीमेडिसिन और ई संजीवनी ऐप से बिहार के औसतन 20,000 मरीज
मरीज ओपीडी सेवा का लाभ उठा रहे हैं। ऐसे मरीजों को प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर लंबी कतार में खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सुदूर गांव या शहर के मरीजों को सोमवार से लेकर शनिवार तक ओपीडी की सेवा दी जा रही है। इसमें मरीजों को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मुफ्त टेलीमेडिसिन और इस संजीवनी के माध्यम से ओपीडी का परामर्श दिया जा रहा है। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक संजय कुमार सिंह ने बताया कि अभी तक टेलीमेडिसिन के माध्यम से राज्य में 29,10,000 मरीजों को परामर्श दिया गया है, जबकि इस संजीवनी ऐप के माध्यम से 64,500 मरीज इसका लाभ उठा चुके हैं। में देखिए, बिहार के 18 नदियों को पानी पीने लायक नहीं और नहाने लायक नहीं। 4 साल पहले केवल 6 नदियां थी ऐसी। देखिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 4 साल पहले प्रदूषित नदियों की संख्या में 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। 2018 की रिपोर्ट में राज्य की 6 नदियों का पानी प्रदूषित था, जो 2022 में बढ़कर 18 हो गई है। राज्य की सबसे प्रदूषित नदियों में रक्सौल में सिरसैया, हरिहर में रामरेखा और सीतामढ़ी में लखनदेई शामिल है। इन 18 नदियों के पानी की जांच 45 स्थानों पर की गई है। इसमें नदियों का पानी गुणवत्ता मानक के अनुसार नहीं पाया गया है। देखिए, प्राथमिक सूची 2 से 5 में राज्य की 18 नदियां शामिल है। इसमें बागमती, बूढ़ी गंडक, दाहा, घोस, गंडक, गंगा, गांगी, घाघरा, हरबोरा, कमला, कोहरा, लखदेई, बरबोर, परमार, पुनपुर, रामरेखा, सरसैया, सोन शामिल है। पानी में बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड तय मानक से अधिक नहीं होने से पानी को प्रदूषित बताया गया है। इस पानी का सीधे नहाने और पीने में इस्तेमाल ठीक नहीं है। खबर में देखिए, बिहार के 43 और स्कूलों में शुरू किए जाएंगे 2-2 वोकेशनल कोर्स। या देखिए, राज्य के 43 और स्कूलों में वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई शुरू हो गई। सभी स्कूलों में 2-2 वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। इसके लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने स्कूलों में लैब बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लैब बनाने के लिए परिषद द्वारा 5-5 लाख स्कूलों को दिए जाएंगे। यह काम मार्च तक पूरा कर लेना है। इससे नए सत्र से वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। ज्ञात हो कि केंद्र सरकार की योजना के तहत राज्य के 33 जिलों के 1-1 स्कूल में 2022 में वोकेशनल कोर्स शुरू हुआ है। जिन स्कूलों में वोकेशनल कोर्स शुरू हुआ है, वहां के छात्रों को अनिवार्य रूप से विकल्प विषय के तौर पर इस कोर्स को लेना है। 9वीं में वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई होगी। अभी राज्य के सभी अनुकरणीय स्कूलों में इसकी शुरुआत हो गई है। वहीं जिन 33 स्कूलों में अभी वोकेशनल कोर्स चल रहे हैं, वहाँ लैब में प्रायोगिक कक्षाएं भी चल रही है। लैब के रखरखाव और नए सामान की खरीद के लिए स्कूलों को 1.25 लाख रुपए दिए गए हैं। इस राशि से स्कूलों को लैब में सुधार करना है। घर में देखिए, बिहार के सभी शहरों में किचन तक पाइप से होगी गैस की सप्लाई, यानी कब से पूरे होंगे प्रोजेक्ट। जी हां, देखिए, बिहार के सभी शहरों में किचन तक पाइप से गैस की सप्लाई की योजना पर काम चल रहा है। अभी बिहार के ऐसे 8 परियोजना पर काम हो रहा है। अगले 5 से 7 साल में बिहार के सभी शहरों में पाइपलाइन से रसोई गैस की आपूर्ति करने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन बिहार में चल रही कई परियोजना समय से नहीं चल रही है। 2024 तक पूरी हो जाने वाली परियोजनाएं अब 2028 तक पूरी होने की बात कही जा रही है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में नया सिम लेना होगा अब और मुश्किल, प्री एक्टिवेटेड सिम बेचने पर होगी कार्रवाई। या देखिए, बिहार में नया सिम लेना अब और मुश्किल हो जाएगा। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी को मोबाइल कंपनियों और सिम बेचने वालों पर नजर रखने को कहा है। बिहार में बढ़ते साइबर अपराध को देखते हुए पुलिस मुख्यालय अब एक्शन मोड में है। बिहार पुलिस के अपराध इकाई के अतिरिक्त महानिदेशक नैयर हसनैन खान ने तमाम जिला पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर निर्देशित किया है कि जिले में हर हाल में खुदरा विक्रेताओं और दूरसंचार कंपनियों पर नजर रखें और TRI के सिम कार्ड पंजीकरण नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करे। फर्जी दस्तावेज की मदद से खरीदे गए सिम कार्डों का साइबर अपराधी दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसे में इसको रोकने के लिए प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड बेचने वालों पर कार्रवाई की जाए। इन्होंने टेलीकॉम कंपनियों से भी फर्जी दस्तावेज पर जारी सिम कार्ड वाले ग्राहकों के संबंध में सूचित करने को कहा है। बड़ी खबर में देखिए, मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट उत्तीर्ण प्रोत्साहन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, इस तारीख से पहले करें आवेदन। यह देखिए, मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट उत्तीर्ण प्रोत्साहन योजना के तहत विभिन्न परीक्षा बोर्ड से वर्ष 2021 व 22 की वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण अविवाहित छात्राओं के अकाउंट में राशि ट्रांसफर की जाएगी। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने, बाल विवाह पर अंकुश लगाने, प्रजनन दर में कमी लाने एवं बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाकर समाज को मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से आर्थिक सहायता मिलेगी। जानकारी के लिए बता दें कि परीक्षा वर्ष 2021 में 10,000 व परीक्षा वर्ष 2022 से 25,000 रुपए मिलेंगे। NIC द्वारा विकसित एक कल्याण पोर्टल को MEDHASOFT यानी कि मेधा सॉफ्ट.bihar.nic.in के
माध्यम से खोलकर अपना निबंधन करेंगे। निबंधन के लिए छात्राओं को इंटर परीक्षा का पंजीयन संख्या, प्राप्तांक, जन्मतिथि, नाम, बैंक खाता संख्या, बैंक शाखा का नाम, IFSC कोड, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी व अविवाहित होने की घोषणा अंकित करनी होगी। इसका सत्यापन जिला मुख्यालय करेगी। खबर में देखिए, बिहार में जल्द खुलेंगे 9 नए डिग्री कॉलेज, राज्य सरकार ने दी मंजूरी। इन जिलों में छात्रों को मिलेगी बड़ी सुविधा। जहाँ देखिए, बिहार में 9 नए डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे, इसके लिए राज्य सरकार ने वित्तीय मंजूरी दे दी है। ये कॉलेज सहरसा जिले में सिमरी बख्तियारपुर, कटिहार जिले में मनिहारी, बेगूसराय जिले में तेगड़ा व बलिया, पूर्णिया जिले में बायसी, दरभंगा जिले में बेनीपुर, पश्चिमी चंपारण जिले में बगहा और नालंदा जिले में राजगीर शामिल है। राशि वित्तीय वर्ष 2022-23 के राज्य योजना मद से जारी की गई है। सोमवार को मंजूर राशि में से 5 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस योजना मद में इन डिग्री कॉलेजों की स्थापना के लिए 21 करोड़ रुपए और दिए जाने हैं। इस योजना के क्रियान्वयन में गुणवत्ता के लिए बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा जिम्मेदारी गई है। फिलहाल इस वित्तीय वर्ष में केवल 5 करोड़ रुपए सोमवार को जारी किए गए हैं। महालेखागार को इससे अवगत करा दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।